बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं जैन आपको अपने चैनल जैन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में वेलकम कहता हूँ। आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, मोटापा जी का जलापा। फ्रेंड्स, मोटापा चढ़ने को तो बहुत जल्दी चढ़ जाता है, लेकिन उतरने का नाम नहीं लेता है। मतलब बॉडी वेट गेन करने में तो बहुत तेज़ है, बहुत चालाक है, बहुत चुस्त है, लेकिन वेट को रिड्यूस करने में बॉडी बड़ी सुस्त और काहिल है। आप लोग हाई कैलोरीज खाने खाते हैं, ऑयली खाने खाते हैं, तो उसका फिर ये नुकसान होता है कि आपकी बॉडी पर वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, स्पेशली बाजुओं पर, थाइस पर, हिप्स पर और बैक पर और चेस्ट वगैरह पर, जो बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। स्पेशली जो पेट होता है, पेट तो इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है कि जिसकी सोच भी नहीं सकते हैं। आप ये खुद देखें कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप बेशक बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुए हैं, आपने हज़ारों पीस का ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन अगर आपका पेट जो है तोंद निकली हुई है तो देखने में बहुत बुरी लगेगी। बहुत आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, आपकी आउटलुक बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मोटापे को ख़त्म करने के लिए आप लोग डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह की रेमेडीज़ यूज़ करते हैं। जो अगर आप बात करते हैं ना कि जो मेडिसन होती है, मेडिसन तो भाई बहुत महंगी होती है। आप ये देख लें, छोटे से अर्की बोतल भी होती है वो 300-400 रुपए की होती है। अगर आप डॉक्टरी दवाइयों की बात करें तो फिर हज़ारों रुपये में हो जाती हैं। बाकी जो टोने टोट के यूज़ करते हैं, उन टोने टोट को में भी काफ़ी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, साथ में फिर यह होता है उसमें बनाने में टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ एक चुटकी से, जी हाँ, एक पिंच से आप अपने वज़न को किस तरह कम कर सकते हैं। बल्कि ना सिर्फ वज़न को कम कर सकते हैं, बल्कि अब तोंद निकली हुई है, आपकी जो पेट ही निकला हुआ है, इस तोंद और पेट को भी आप ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको मोटापे को कम्प्लीटली ख़त्म करने वाले, पेट की जो तोंद निकली हुई होती है उस तोंद को ख़त्म करने वाले, पेट को बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट फ्लैट बनाने वाले, बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने वाले, कम्प्लीटली फिनिश करने वाले इस ट्रीटमेंट, एक चुटकी ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल जैन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन का बटन होगा उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी डेली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और फ्रेंड्स, जब आप लोग सब्सक्राइब बटन को प्रेस किया करें तो साथ में जो घंटी का बटन होता है उसे लाजमी प्रेस किया कीजिए, क्योंकि जब आप घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिला करेंगे जिस वक्त भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, अदरवाइज आप वीडियो मिस कर दिया करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आया करे तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसे लाजमी शेयर किया कीजिए, क्योंकि मे भी हो सकता है जिस वीडियो के जरिए आपको कोई बेनिफिट हुआ हो, आपको कोई फायदा हुआ हो, तो उसी वीडियो के जरिए आपके किसी नेक्स्ट रिलेटेड पर्सन को भी फायदा हो जाए और वो बंदा किसी आपको दुआएं दे। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, अभी जो मैंने आपको बिना किसी मेडिसन के, बिना वर्जिश के, बिना डाइटिंग के जिस्म की चर्बी को परमानेंटली खत्म करने वाले, जिस्म को स्लिम एंड स्मार्ट बनाने वाले, ढोल जैसे पेट को बहुत स्लिम बनाने वाले, कमर की जो वेस्ट होती है, कमर की वेस्ट जो अगर आपकी 45 है, 45 वेस्ट को 28-29 पर लाने वाले, जो आपको एक बहुत सस्ते तरीन एक होममेड ट्रीटमेंट के बारे में बताया था, एक चुटकी के बारे में बताया था। तो फ्रेंड्स, उस एक चुटकी ट्रीटमेंट के लिए आपने बस दो इन्ग्रीडियंट्स लेने हैं। फ्रेंड्स, एक तो आपने लेनी है कलौंजी। कलौंजी आपको 20 ग्राम चाहिए, 20 ग्राम आप कलौंजी ले लें, किसी भी हकीम या पंसार की शॉप पर आपको मिल जाएगी। इसकी आपने ये देख लें, इसकी जो प्राइस होगी 20 ग्राम की आपको 15-20 रुपए की मिल जानी है। साथ में फ्रेंड्स, आपको चाहिए लेमन जूस, लीमू ले लें आप और उनका रस जूस निकाल लें। फ्रेंड्स, इसके बनाने का तरीका बहुत सिंपल सा तरीका है। आपने करना ये होगा कि आपने 20 ग्राम ली करौंजी, 20 ग्राम करौंजी में आपने लेमन का जूस जो है, इस लेमन का जूस आपने डालना है, और इतना आपने इसमें लेमन जूस डालना है कि ये जो करौंजी है ना बिल्कुल लेमन के जूस में डिप हो जाए, मतलब भीग जाए, और जो लीमू का जूस है वो कलौंजी के ऊपर तक आ जाए। आपने इसे भिगोए रखना है, किसी जो धूप वाली जगह होती है वहाँ ना रखिएगा, किसी छांव वाली जगह पर आप इसे रखिएगा। जब आप ये देखेंगे सूख गई है बिल्कुल, मतलब ये जो कलौंजी है, कलौंजी ने लेमन जूस को बिल्कुल अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया है, जज्ब कर लिया है, तो फिर आपने इसे लेके ग्राइंडर में या हवन दस्ते में कूट लेना है और इसे पीस लेना है अच्छी तरह, और बिल्कुल जिस तरह पाउडर होता है ना, पाउडर आपने इसका बना लेना है। और इस्तेमाल करने का तरीका इस तरह होगा कि रात को सोने से पहले आपने इस, ये जो कलौंजी पीसी हुई है, जो लेमन जूस में पीसी हुई कलौंजी थी, इसकी एक चुटकी, जी हाँ, सिर्फ एक चुटकी आपने लेनी है, एक चुटकी आप आधे गिलास पानी के साथ पी के सो जाएं, तो इंशाल्लाह बारी ताला आप ये देखिएगा कि बहुत जल्द आपका जो बढ़ा हुआ पेट है, ये जो आपका बढ़ा हुआ वजन है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान है, वो इंशाल्लाह कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा और आप स्लिम एंड स्मार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आप हेल्थ एंड ब्यूटी के किस सब्जेक्ट पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।